नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कानून और आम आदमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिविल सूट्स के बारे में। सिविल सूट्स को किन किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और उसमें जो डिसीजन है वो कब तक आता है, कैसे आता है, ये सब चीज़ें हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, जैसे आपको पता है मुकदमे बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। जहाँ तक सिविल सूट्स हैं वो मोस्टली प्रॉपर्टीज़ को लेके होते हैं। प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो, एग्रीकल्चर हो, बिजनेस लैंड हो, रेजिडेंशियल हो, इस तरह की प्रॉपर्टी पे जिस पे हम जिसका कोई डिस्प्यूट होता है उसकी ओनरशिप के लिए हम जो है कोर्ट में दावा पेश करते हैं और उस दावा पेश करते हैं और उसके बाद जो है वो केस है वो अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजर के जो है एक अपने डिसीजन तक पहुंचता है। दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा कि जो सिविल सूट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर लैंड को लेके हुए या दूसरी प्रॉपर्टीज़ को लेके हुए हैं, वो बहुत लंबे चलते हैं। इतना कई बार तो जो है दशक तक लग जाता है इन सूट्स को डिसाइड होने में। इसलिए जो पेटिशनर है, प्लेंटिफ है, कई बार वो उम्मीद छोड़ देता है कि अब पता नहीं कोई फैसला मेरे हक में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। दोस्तों, जैसे ही हम कोर्ट में दावा पेश करते हैं, दावा पेश करने के बाद उसकी स्क्रूटनी होती है, मतलब उसको जो है सभी पहलुओं से देखा जाता है कि ये कोर्ट में पेश करने के लिए परफेक्ट दावा है। उसके बाद जो है पार्टी या पार्टीज़ को, अपोजिट पार्टी जिसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं, उनको जो है समन इशू होते हैं। मोस्टली देखा जाता है कि जो लैंड के सूट्स होते हैं उसमें कई सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो बहुत सारा समय जो है सभी पार्टीज़ को की समनिंग पूरी करने में निकल जाता है। समनिंग कई बार कुछ जो पार्टीज़ होती हैं वो अपीयर नहीं होती, तो उनको जो है बार बार मौका दिया जाता है, और अगर फिर भी अपीयर नहीं होती तो उनको एक्स पार्टी घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, समनिंग की प्रक्रिया के बाद फिर आता है रिटर्न स्टेटमेंट का पहलू, के दूसरी पार्टी डिफेंडेंट पार्टी का जो है इस दावे के संबंध में अपना क्या पक्ष है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो सभी पार्टीज या एक पार्टी अगर है उसमें, तो वो अपने एडवोकेट महोदय के माध्यम से जो है उसमें दावा पेश करते हैं, उसमें जवाब दावा पेश करते हैं, और जवाब दावा देने के बाद जो है सभी पार्टीज़ उसमें अपना अपोज करते हैं कि ये दावा जो है मेंटेनेबल नहीं है, ये दावा जो है फैक्ट्स पे बेस नहीं है, पटिशनर जो है कोर्ट में क्लीन हैंड से नहीं आया है, बहुत सारी उसमें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस होते हैं, फिर ऑब्जेक्शन ऑन मेरिट्स होते हैं। ये सब चीज़ें जो पटिशनर का जो दावा होता है उसको काउंटर करने के लिए एक ये जवाब दावा पेश किया जाता है। जब सभी पार्टियों से जवाब दावे आ जाते हैं, उसके बाद जो है प्लेंटिफ उसका रेप्लिकेशन तैयार करता है। रेप्लिकेशन मतलब काउंटर तैयार करता है, रिजवाइंडर तैयार करता है कि आपने जो जो ये लिखा हुआ है, आपने हमारे दावे को झूठा कहा है, आपने हमारे दावे को कहा कि भाई ये जुरिस्डिक्शन का नहीं है, बहुत सारी ये मेंटेनेबल नहीं है, इस तरह की बातें जो है वो एक रेप्लिकेशन फाइल करता है। रेप्लिकेशन फाइल करने के बाद फिर जो है जज महोदय, रेप्लिकेशन फाइल करने के बाद जज महोदय इश्यूज फ्रेम करते हैं कि इस दावे में इश्यूज इन डिस्प्यूट कौन कौन से हैं, कि इसमें जो है डिसाइड करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो हम इसको बोलते हैं इशू फ्रेम करना। इशू फ्रेम करने के बाद फिर केस एविडेंस में चला जाता है। एविडेंस में सबसे पहले प्लेंटिफ का एविडेंस होता है, प्लेंटिफ के एविडेंस के बाद उसके जो गवाहों का एविडेंस होता है, प्लेंटिफ साइड के गवाहों का एविडेंस होता है, और उसके बाद जो है डिफेंडेंट को मौका दिया जाता है, डिफेंडेंट खुद या अपने गवाह पेश करके जो है उस दावे को झूठा करार करने के लिए गवाही देते हैं, ऑन ऑथ देते हैं, कई बार एफिडेविट के माध्यम से देते हैं, कई बार ओरल जो है वहाँ पर कोर्ट के अंदर लिखवाते हैं। तो एविडेंस के बाद जो है दावा जो है वो आर्गुमेंट में आ जाता है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में पहुंच जाता है। तो उसके बाद जो है आर्गुमेंट्स होती हैं, फाइनल आर्गुमेंट्स होती हैं, और फाइनल आर्गुमेंट सुनने के बाद जज महोदय
फैसला सुना देते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो अपोजिट पार्टी होती है, जो डिफेंडेंट होता है, वो दावे को लंबा लटकाने के लिए, डिले करने के लिए, या उसको जो है अननेसेसरी ड्रैग ऑन करने के लिए कोर्ट में पेश होते रहते हैं, लेकिन रिटन स्टेटमेंट नहीं देते हैं। हालांकि सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 90 दिन के मैक्सिमम 90 डेज के ड्यूरेशन में आपको जो है किसी भी दावे की रिटन स्टेटमेंट जो है कोर्ट में पेश करनी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपोजिट पार्टी कोर्ट में पेश होती रहती है और डेट लेती रहती है कि जनाब इस डेट पे हमारा दावा तैयार नहीं है, हमारा जो है रिटन स्टेटमेंट तैयार नहीं है, अगली डेट दे दो। ऐसे करते करते कई बार तो जो है ना बहुत समय लग जाता है। अगर आपके केस में अगर कोई इस प्रकार की स्थिति आए तो सिविल प्रोसीजर कोड CPC जिसको बोलते हैं, उसमें एक प्रावधान है ऑर्डर 8 रूल 10 में, उसमें एक प्रावधान है कि आप जो है ना आप एक एप्लीकेशन देकर डिफेंडेंट के डिफेंस को स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। डिफेंडेंट के जो डिफेंस का राइट है उसको जो है स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन देके उसमें आप बता सकते हैं कि ये दावा जो है अब तब से चल रहा है और इसमें जो डिफेंडेंट है वो इस तारीख को पेश हुआ था, उसके बाद इतनी सारी तारीखें लग चुकी हैं, लेकिन डिफेंडेंट उसमें जो है रिटन स्टेटमेंट अभी तक नहीं दे पाया है, इसलिए जो है इन चीज़ों को देखते हुए इस दावे में डिफेंडेंट का जो डिफेंस है उसको स्ट्राइक ऑफ किया जाए अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 CPC। इसके बाद अगर डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट पेश भी करता है, तब भी जो है कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, फाइल पे लेने से मना कर सकती है। तो दोस्तों सिविल सूट्स जो है वो एक लंबे प्रोसीजर से होके गुजर सकते हैं, उसमें बहुत सारी तारीखें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें एविडेंस पे लेनी होती हैं, बहुत सारे जो है उसमें कानूनी पहलू होते हैं, इन सब चीज़ों को क्योंकि उसमें बहुत सारी पार्टीज होती है, कई बार तो 50 पार्टी, 20 पार्टी, 10 पार्टी, 5 पार्टी, तो उन सभी के जो है रिटन स्टेटमेंट उसमें फिर आपका जो है एविडेंस हो गया उनका सबका, तो इस तरह से जो है ये दावे लंबे चलते हैं। लेकिन दोस्तों उम्मीद नहीं मत हारो, जो है दावे अपने डिसीजन के स्टेज पे पहुंचेंगे ज़रूर, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको धैर्य देना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो जो है आपके साथ शेयर करता रहूँगा, इसलिए आप जो है बेल आइकन का बटन भी दबाएँ ताकि फ्यूचर में भी आपको मेरी वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।